दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ सुजीत प्रयागराज से। दोस्तों आज हम 6 जनवरी 2023 का अपडेट देने के लिए इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं कि हमारे वेबसाइट पे और कितना बड़ा बदलाव हुआ है और क्या क्या नई नई चीज़ें हमारी ऐड हो चुकी है, जिससे कि हमें आने वाले समय में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। उस विषय में मैं ये वीडियो कंप्लीट करने जा रहा हूँ। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी नए मेंबर्स हैं और जिन्होंने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आशा करता हूँ ऐसे ही और भी नई नई चीज़ें आप तक पहुँचाता रहूँगा समय समय पर। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज 6 जनवरी 2023 के डेट में क्या बदलाव हुआ है और क्या क्या नई नई चीज़ें और क्या क्या हम लोग को फ़ायदे आए हैं, वो सारी चीज़ें मैं अब बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं, मैंने अपनी आईडी पासवर्ड डाल के अपनी स्क्रीन ऑन कर रखी है, हमारा आईडी खुला हुआ है। सबसे पहले तो वहाँ पे हमारा डेली इनकम अचीव्ड, यानी कि हमारा डेली जो लेवल इनकम आना था अभी लगभग 20 दिन से जो रुक रहा था, और वो आज से आना स्टार्ट हो गया है। आज 6 जनवरी 2023 से जिसका जिसका भी लेवल इनकम जितना भी रुपए था उनकी टीम के आधार पे, उसमें उनका इनकम आना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि हमारा देख रहे हैं, मैं अभी ब्रॉन्ज पद पे हूँ और ब्रॉन्ज में 2040 रुपए मैक्सिमम इनकम लिया जा सकता है, तो 2040 रुपए हमारा इनकम आज का आ चुका है। और उसके ऊपर ही आप देख रहे हैं कंप्लीट योर टास्क। अब यहाँ पे हमारा सबसे अच्छी चीज़ रहेगी कि जो भी मेंबर्स अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया रहेगा, उसका यहाँ पे डेली इनकम अचीव्ड के ठीक ऊपर लिख के आ जाएगा कि जिस दिन का टास्क कंप्लीट नहीं रहेगा उस दिन का यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, और जिस दिन का भी टास्क कंप्लीट होगा उस दिन का लिखा रहेगा कंप्लीट योर टास्क, जिससे कि उसको समझने में और नीचे वाले को भी जो है समझाने में आसानी होगी कि उनका आज का टास्क कंप्लीट था तो आज का उनका लेवल इनकम आया हुआ, तो उस बेस पे उनको कंप्लीट लेवल इनकम कितना आना चाहिए, एक्चुअल लेवल इनकम उतना आया हुआ है, क्या कमी है क्या नहीं। बहुत से क्वेश्चन बन रहे थे कि सर हमारा लेवल इतना है, मेरा इतना इनकम आ रहा है, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हम जिसने जिसने भी टास्क नहीं देखा है उसका यहाँ पर शो करेगा उसकी आईडी पे। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे आपके सामने जो पेज खुला हुआ है, यहाँ पे हमारा जो ऑलरेडी पहले से जो हमारा 6 ऑप्शन था, डिपॉजिट, टॉप अप, फंड मूव, विड्रॉल, वैलेट ट्रांसफ़र, ओपन टिकट, जिसमें से हमारा डिपॉजिट, टॉप अप, विड्रॉल, वैलेट ट्रांसफ़र, ओपन टिकट, जो भी हमारा पहले काम चल रहा था, ये 5 ऑप्शन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये सारे 5 ऑप्शन ऑलरेडी पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। डिपॉजिट से हमारा जो भी कंपनी के ज़रिए हम पैसा भेज के उसको अपने टॉपअप में लगाते थे, वहाँ से वो काम होगा। टॉपअप के ज़रिए हम अपना आईडी एक्टिवेट यूज़ करते थे, आईडी एक्टिवेट में अपने पैसे को टॉपअप में डाल के यूज़ करते थे, सेम वही रहेगा। अपना विड्रॉल वैलेट के ज़रिए हम अपने पैसे को, अपने इनकम वैलेट को विड्रॉल वैलेट में ट्रांसफ़र करके अपने खाते में ट्रांसफ़र करते थे, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे, वो वही रहेगा। वैलेट ट्रांसफ़र भी वही रहेगा कि वैलेट से वैलेट ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन था सेम वही पहले ही जो काम करता था, वही कंडीशन रहेगी कि एक वैलेट से दूसरे वैलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए मिनिमम 500 रुपीज़ टॉप अप वैलेट में होना चाहिए, वो सेम रहेगा। और ओपन टिकट में आपका कोई भी प्रॉब्लम रहती है वेबसाइट के ज़रिए, तो ओपन टिकट बना के हम उस चीज़ को सपोर्ट को भेजते थे, जिसके ज़रिए कोई भी प्रॉब्लम क्लियर होती थी और उनको उसके लिए जो भी प्रॉब्लम होती थी कुछ ही घंटों के बीच में सॉल्व कर दी जाती थी। तो ये 5 ऑप्शन ऑलरेडी जैसे चल रहे थे सेम वही रहेंगे, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। फंड मूव के ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं फंड मूव के ऑप्शन पर मैंने टच कर दिया है। फंड मूव के ऑप्शन पे आपको एक नया चीज़ ऐड हुआ है शॉपिंग पोर्टल का, जैसा कि आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। फंड मूव के ऑप्शन पे शॉपिंग पोर्टल का ये ऐड ऑप्शन आ गया है,
फंड मूव में अभी तक हमारे पास टॉप अप वैलेट था, विड्रॉल वैलेट था, लेकिन अब आज से यहाँ पे शॉपिंग वैलेट भी आप टच करके उसमें पैसा भेज के अपनी ख़रीदारी, अपना एडीएस स्मार्ट का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। तो उसमें जो भी मिनिमम बैलेंस है, जैसे कि टॉप अप में 200 डालना था, सेम वही कंडीशन यहाँ भी रहेगी कि मिनिमम 200 रुपीज़ आपका जो हैगा टॉप अप में ट्रांसफ़र होगा, तो शॉपिंग वॉलेट में भी 200 रुपये ट्रांसफ़र होगा। और विड्रॉल वैलेट में तो जानते ही हैं, जितना भी आप डालेंगे तो विड्रॉल वैलेट टच करके मिनिमम 500 होगा तब आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, जो कि आज तक होता आया है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये नया चीज़ हमारा ऐड हुआ है शॉपिंग वैलेट। तो शॉपिंग वैलेट ऐड होने का कारण मैं इस वीडियो को यही बताने के लिए बना रहा हूँ कि जो भी नई चीज़ें अभी ऐड हुई आज के डेट से जो एक्स्ट्रा आई है वो आप तक पहुँचे और अच्छे से आपको जानकारी हो सके वो किस लिए आया है, उससे क्या होने वाला है। तो यहाँ से हम शॉपिंग वैलेट में टच करके अपना जो भी अमाउंट यहाँ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे ऐड करके अपने शॉपिंग वैलेट पे, अभी मैं आगे चल के बताऊँगा, शॉपिंग वैलेट पे आप जाके वहाँ से कोई भी परचेसिंग सामान खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं नीचे, हमारे ये तीन ऑप्शन हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख ही रहे हैं जो कि नए ऐड हुए हैं, शॉपिंग नाउ, शॉपिंग वैलेट एंड शॉपिंग बाउचर। ये तीन ऑप्शन को भी मैं क्लियर करना चाहूँगा, जिसमें से आपका पहला शॉपिंग जो कि नीचे देखिए, ये शॉपिंग नाउ, शॉपिंग नाउ के ऑप्शन पे जब आप टच करते हैं तो जैसे कि अभी तक हम लोग विड्रॉल पर टच करके देखते थे तो विड्रॉल में भी मिनिमम 500 रहेगा तो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, सेम वही कंडीशन कि आपके शॉपिंग पोर्टल, आपके शॉपिंग ऑप्शन पे जितना भी बैलेंस ऐड होता जाएगा, इनकम बनती जाएगी, मिनिमम 500 होगा तभी आपका ये बैलेंस आप अपने खाते में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जैसे कि आपने अपना प्रोफाइल अपडेट किया हुआ है, प्रोफाइल में मिनिमम आपने जो भी अपडेट कर रखा है अपना अकाउंट नंबर, अपना IFSC कोड, तो अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपका वही सेम यहाँ पे रहेगा, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अभी मैं करके दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि देखिए नीचे मैं शॉपिंग नाउ पे टच कर रहा हूँ, शॉपिंग नाउ पे टच करते ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाता है। ये तो ये इसमें देखिए, जैसे कि अभी हम लोग पहले विड्रॉल में टच करके अपने पैसे को ट्रांसफ़र करते थे अपने खाते में, सेम वही कंडीशन आपको यहाँ शॉपिंग नाउ में मिलेगा। शॉपिंग नाउ पे हमने टच करी है, शॉपिंग नाउ पे टच करते ही हमारा अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और हमारा IFSC कोड ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा। विड्रॉल अमाउंट मिनिमम 500 हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट पे, तो कम से कम 500 होना चाहिए। और यहाँ पे आपका देखिए सबसे नीचे एक नोट भी लिखा हुआ है, मोर देन 1000 रुपीज़ 500 एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाइड, यानी कि कम से जैसे कि आप 1000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें 5% एक्स्ट्रा चार्ज उसमें आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अभी तक हम लोग विड्रॉल में 15% का डिडक्शन करते थे, यहाँ तो 5% का आपको एक्स्ट्रा चार्ज केवल लगेगा और आपका पैसा वो आपके पास आ जाएगा, आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो भी आपका शॉपिंग के ज़रिए जो फ़ायदा हुआ हो रहेगा, जो आपके नीचे पूरी टीम से जो भी शॉपिंग हुई रहेगी उससे जो भी फ़ायदा आता रहेगा वो पैसा यहाँ से आपका सीधा खाते में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया, और फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए नीचे, शॉपिंग वैलेट, सेकंड ऑप्शन शॉपिंग वैलेट। शॉपिंग वैलेट के ज़रिए हम अपना कोई भी प्रोडक्ट शॉप अपने ADS स्मार्ट से परचेस कर सकते हैं। जैसे ही हम शॉपिंग वैलेट पर टच करेंगे तो सबसे ऊपर ADS एक्सचेंज का जो हमारा ट्रॉली बना हुआ है ब्लू कलर का, वो हमारा एक ADS स्मार्ट का लोगो है, वहाँ टच करते ही हमारा ADS स्मार्ट का सारा प्रोडक्ट खुल के आ जाएगा, सारे प्राइस खुल के आ जाएंगे उसके। तो वहाँ पर टच करेंगे और टच करते ही हमारे वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हमें परचेस करना है तो वहाँ पर जाके हम उसको परचेस कर सकते हैं। तो शॉपिंग वैलेट ये है, यहाँ से हम उसको परचेस कर सकते हैं, जो भी हम अपने वैलेट में पैसा यहाँ रखे रहेंगे। जैसे कि हमने अभी फंड मूव से 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000 हमने वहाँ से ऐड करके अपने वैलेट में रख लिया है, तो हम यहाँ से टच करके अपने वैलेट के ज़रिए जो भी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट किए रहेंगे वहाँ से उसको पैसा कटवा के हम उसको अपने घर पे मंगा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त है,
हम लोगों ने अभी तक 1-1 हज़ार रुपये दे के अपनी आईडी एक्टिवेट की है, जिसका नॉट रिफंडेबल अभी तक बोला जा रहा था, लेकिन अब हर एक की आईडी पे हमें 1 हज़ार रुपये का वाउचर मिल चुका है, यानी कि हमारी आईडी फ्री हो चुकी है। हमें एक भी रुपये अपनी आईडी के पीछे नहीं देना पड़ा, हमारी आईडी फ्री हो चुकी है। और ये 1 हज़ार का वाउचर हम जो भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे, जैसे कि 1 हज़ार का प्रोडक्ट हमने परचेस किया, तो उसमें आपको 200 रुपये का ये वाउचर यूज़ करने का मौका मिलेगा। 2 हज़ार का आपने प्रोडक्ट परचेस किया, तो उसमें 200 रुपये आपको जो है से फ़ायदा मिलेगा, मतलब कि उसमें ऑफ़र रहेगा। आप इस 1 हज़ार रुपये के वाउचर को अपने, जैसे कि मान लीजिए 5 हज़ार रुपये का आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, तो 5 हज़ार रुपये में आपका ये 1 हज़ार रुपये का ये वाउचर वहाँ यूज़ करने का मौका मिलेगा, और वहाँ आप मात्र 4 हज़ार रुपये पेमेंट करेंगे। 1 हज़ार अपना ये वाउचर यूज़ करेंगे और आपको 5 हज़ार का सामान 4 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, और आपने जो 1 हज़ार रुपये दिया था आईडी एक्टिवेट में, वो 1 हज़ार रुपये यहाँ से वाउचर के ज़रिए आपको वापस से मिल जाएगा, और आपकी जो आईडी लगी हुई है वो फ्री रहेगी। तो दोस्तों, ये था बहुत बड़ा बदलाव, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अब हमारा एडीएस एक्सचेंज, एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी एक नई दिशा की ओर, नए वर्ष के साथ, नए जोश व जुनून के साथ, 13 प्लेटफॉर्म के साथ तैयार हो चुका है। और कभी भी हमारे 13 प्लेटफॉर्म एक एक करके कंटिन्यू आपको नई नई खुशखबरियां मिलती जाएंगी। और फ्री आईडी लगाने से दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म से एक दिन के एड में 40 रुपये का इनकम से 30 हज़ार रुपये पर डे तक ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये समझ लीजिए 13 प्लेटफॉर्म से 7 से 10 लेवल के बीच में हमें इनकम आएगा, हमें लाखों नहीं अब करोड़ों कमाने का मौका मिलेगा। तो बस यही कहूँगा दोस्तों कि प्लीज़ आप सभी एक्टिव हो जाइए, ऑल लीडर्स जितनी भी हो सके उतनी बड़ी टीम बना लीजिए। पूरा इंडिया अभी खाली है, अभी 1 करोड़ के समथिंग हमारी कम्युनिटी पहुंचने वाली है, तो अभी हमारा मात्र 1 करोड़, 140 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ तक हम पहुंचे हैं, तो अभी 130 करोड़ की आबादी हमारे पास है। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो ये 2023 आपके जीवन का एक बहुत ही शानदार साल गुजरेगा। और दोस्तों, जैसे कि सर ने अपडेट दिया था कि जो भी नया मेंबर्स आईडी एक्टिवेट करेगा, उसमें ध्यान रखेगा आगे चल के कि 30 दिन के बीच में वो अपना 2 डायरेक्ट कंप्लीट कर लेगा, नहीं तो उनके आईडी से बैलेंस 0 हो जाएगा। जो भी 40-40 रुपये बन के उनको मिलेगा प्रतिदिन, पहले दिन से मिलना स्टार्ट होता है, तो वो 30 दिन के बाद अगर 2 आईडी कंप्लीट नहीं रहेगी तो उनका बैलेंस 0 हो जाएगा, और यही कंडीशन हर आईडी पे उनके नीचे वालों पर भी लागू रहेगी। जैसा कि आपने देखा है कि कल के डेट में सर ने 3 दिन पहले ही बताया था कि दोस्तों, आप सभी जो है जिसके भी आईडी में 2 डायरेक्ट कंप्लीट नहीं है वो अपना कंप्लीट कर लें, और बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट भी किया, और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है उनका आज बैलेंस आप ओपन करके देख लीजिए, जिनका 2 डायरेक्ट कंप्लीट नहीं है उनका जो भी बैलेंस बना था आज 0 हो चुका है। मैंने खुद भी देखा है एक दो आईडियों का, तो उनका बैलेंस 0 हो चुका है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि लग जाइए ईमानदारी से, एडीएस जैसी कंपनी आज तक ना तो आई है और ना ही आएगी, ना ऐसा सीएमडी राहुल भारद्वाज जी जैसा ईमानदार, मेहनती, लॉयल सीएमडी हमें ना मिलेगा। और ज़िंदगी में अगर एडीएस से हम आगे नहीं बढ़ पाए तो दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में जाके हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मगर ये जानकारी देना ज़रूरी था आज के डेट में जो भी अपडेट हुआ था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मैं न्यू अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँ, और कमेंट लाइक बटन ज़रूर क्लिक करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मुझे वीडियो में कोई बदलाव करने की ज़रूरत है या नहीं। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड लव यू ऑल।